नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। भारतीयों के बायकॉट मालदीव के बाद मालदीव में हलचल तेज हो चुकी है। मालदीव के नेशनल बोटिंग एसोसिएशन ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ सार्वजनिक निंदा पत्र जारी किया है। बोटिंग एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि वो अपने मंत्रियों के ऐसे बयान का खंडन करते हैं। पत्र में आगे ये कहा गया कि मालदीव अपने तमाम पड़ोसी देश के साथ मित्रता की अहमियत जानते हैं। मालदीव के राजनेताओं द्वारा दिए गए बयान उनके निजी हैं। मालदीव के लोग इससे वास्ता नहीं रखते हैं। टूर एंड ट्रैवल कंपनी ईस्ट माई ट्रिप ने दावा किया है कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लोगों में लक्षद्वीप के बारे में जानकारी हासिल करने की चाह बढ़ चुकी है और इसीलिए लोग कंपनी को फोन नंबर और वेबसाइट के जरिए लक्षद्वीप के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ईस्ट माई ट्रिप का दावा यह भी है कि उनके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप के बारे में 3400% सर्च बढ़ चुका है और ये सब पीएम के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुआ है। और यही बात किसको नागवर पसरा मालदीव। अपने मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव बुरी तरह से घिर चुका है। 3 मंत्रियों को सस्पेंड करने के बाद आज मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, जहां वो साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे और थोड़ी ही देर में वापस भी चले गए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच वो मंत्रालय पहुंचे थे। इस दौरान भारत ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। और इससे पहले भारत की दो टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों ही मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। मालदीव के इन तीनों मंत्रियों ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे। इस पर भारत ने मालदीव से नाराजगी जाहिर की थी। भारत के दबाव में मालदीव अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर उसको होना पड़ा था। भारत के रुख के आगे मालदीव को झुकना पड़ा। मालदीव ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि आखिर मालदीव बैकफुट पर आया कैसे, इसके पीछे क्या वजह है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी 28% तक है। भारत से सबसे ज्यादा करीब 2,00,000 पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। साल 2022 की बात करें तो भारत ने 4,000 से ज्यादा का मालदीव को निर्यात किया माल और मालदीव के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का पैसा लगा हुआ है। ये भी एक वजह है जब वो बैकफुट पर आ गया। और उधर अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग के मालदीव पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वीरू पाजी, ये बहुत प्रासंगिक है और धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारी धरती सबसे अच्छी है। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ और ये आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। शानदार पानी के समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव अविश्वसनीय है। ये अमिताभ बच्चन का ट्वीट है। तो भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो नरमी बरतने के मूड में नहीं है, लेकिन मालदीव के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके नेताओं के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके बाद से मालदीव जो है लगातार बैकफुट में आ गया है। उसका बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया गया है। आपको ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश करते हैं कि मालदीव में जो महाभूल मालदीव की तरफ से की गई है, उसके बाद से किस तरीके से मुश्किलें जो है मालदीव की बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर टूरिज्म के लिहाज से। मालदीव के लिए 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल होने का बड़ा दावा किया जा रहा है। मालदीव के लिए 2500 फ्लाइट टिकट भी कैंसिल होने का यह भी बड़ा दावा किया जा रहा है। इसके साथ साथ फ्लाइट बुकिंग साइट ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट बुकिंग रोक दी है। तो आप देखिए टूरिज्म पर सीधा असर पड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि मालदीव में समंदर का किनारा भारतीय पर्यटकों को बहुत ज्यादा भाता है। आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल मालदीव के बीच भारतीय पर्यटकों से गुलजार हो जाते हैं, इसलिए मालदीव भारत के सामने घुटने पर आ चुका है। और अगर भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किनारा कर लिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत करारा झटका लगेगा। आपको ये भी बताते हैं कि मालदीव में कितने साल कितनी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि खास तौर पर भारत से कितने पर्यटक जो है वो मालदीव पहुंचे हैं। 2018 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो
74 जो टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स पहुंचे हैं। 2019 का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं, 1,80,000 के करीब जो है टूरिस्ट मालदीव पहुंचे हैं। 2020 का ये आंकड़ा आपको बता दें, 63,000 से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो मालदीव पहुंचे हैं। 2021 का आंकड़ा आपको बता देते हैं, 2,91,000 टूरिस्ट जो हैं वो मालदीव पहुंचे। 2022 का आंकड़ा हम आपको बता देते हैं, 2,41,000 टूरिस्ट भारत से मालदीव्स गया है। 2023 का आंकड़ा आपको बता देते हैं, ये 13 दिसंबर तक का आंकड़ा है, 1,93,693 टूरिस्ट, यानी कि लगभग 2 लाख टूरिस्ट भारत से मालदीव्स गए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद इंटरनेट पर लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी और साथ ही साथ लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील भी की थी। वो तस्वीरें वो बड़ी बातें हम आपको बताएंगे भी। भारत मालदीव का सबसे बड़ा मददगार है, अब ये सबसे ज्यादा सर्च किया गया लक्षद्वीप। जब पीएम गए वहां की तस्वीरें साझा की तो 3000% सर्च का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। ये एक कंपनी का दावा है जो बुक करती है लोगों के टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड टिकट्स हो या होटल्स हो, उसका ये दावा है कि सर्च संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इस बीच हम कुछ और बड़ी बातें भी बताएंगे आपको। भारत और मालदीव के बीच दशकों पुराना सामरिक रिश्ता है। इसी रिश्ते को निभाते हुए भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी मालदीव में तैनात है। इस वक्त हम आपको ये बताएंगे कि मालदीव में भारतीय सैनिक क्यों तैनात हैं और क्यों अब मालदीव के राष्ट्रपति भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का भी अनुरोध कर रहे हैं। मालदीव में भारत के 77 सैन्यकर्मी इस वक्त मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स के संचालन के लिए 50 सैन्यकर्मी तैनात हैं। डोनियर विमान का प्रबंधन करने के लिए 25 सैन्यकर्मी तैनात हैं। रख रखाव और इंजीनियर के लिए 2 और सदस्य मौजूद हैं। मालदीव के राष्ट्रपति का जो दावा है वो भी हम आपको बताएंगे, भारत से सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। लेकिन ये हम आपको भारत और मालदीव के बीच जो रिश्ता रहा है उसके बारे में बता रहे हैं हम। हालांकि ये तनातनी के बीच में बहुत जल्द ही झुक गया मालदीव, उसने स्टैंड लिया, 3-3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम भारतीय दूतावास की बात करें तो वहां भी उन्हें तलब कर लिया गया था, वहां भी बातचीत हुई है। लेकिन सामरिक रिश्ता, अर्थव्यवस्था के एंगल से किस तरीके से ये पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, हमारे पर्यटकों के वजह से निर्भर है, ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और क्या क्या मदद मिलती है ये हम आपको बताते हैं। मालदीव को भारत की मदद किस तरीके से मिलती है ये इस वक्त बड़ी बातें जो है आपके सामने है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोजेक्ट, ये भी भारत की तरफ से। और क्या है, लागत 22.98 करोड़ रुपए, ये भारत की ताकत है, ये भारत की क्षमता है जिसकी वजह से झुका मालदीव में। ये भारत की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। तो ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद इंटरनेट पर लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। पीएम मोदी ने 2 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बाकायदा शेयर की थी, साथ ही लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की थी। और उस अपील का असर ये हुआ कि मालदीव के मंत्री आ गए मैदान में, उन्होंने ट्वीट कर दिया। भारतीयों को ये बातें बहुत नागवार गुजरी, भारतीयों में जो सिने स्टार्स हैं उनको भी लेकर और जो आम लोग हैं उन सब ने एक साथ बड़ी बातें कही। भारत और मालदीव के बीच दशकों पुराना सामरिक रिश्ता है, एक बार फिर हम आपको बताएंगे। इसी रिश्ते को निभाते हुए भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी मालदीव में इस वक्त तैनात की गई है। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि मालदीव में भारतीय सैनिक क्यों तैनात हैं, इसके पीछे क्या वजह है और क्यों अब मालदीव के राष्ट्रपति भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध कर रहे हैं। मालदीव में भारत के 77 सैन्यकर्मी इस वक्त मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स के संचालन के लिए 50 सैन्यकर्मी तैनात हैं। डोनियर विमान का प्रबंधन करने के लिए 25 सैन्यकर्मी इस वक्त तैनात हैं। रख रखाव और इंजीनियरिंग के लिए 2 और सदस्य मौजूद हैं। मालदीव के राष्ट्रपति भारत से सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध कर चुके हैं। मोहम्मद मुइसो ने राष्ट्रपति बनते ही भारत से अनुरोध किया था, जिसके बारे में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो इधर मालदीव विवाद के बीच इस माई ट्रिप ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ट्रैवल कंपनी इस माई ट्रिप के CEO निशांत पट्टी ने बताया कि कंपनी ने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर दी है। ये इस वक्त बड़ी खबर। इज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और
हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इस्माइल ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे।